मेस मिठा चारा फिर मन सिखा पदिंग समाधियामी राष्ट्रीय बुद्ध विहार समन्वय समिति या ऑल इंडिया बुद्ध विहार कोऑर्डिनेशन कमेटी या ऑल इंडिया बुद्ध विहार मैनेजमेंट कमेटी या ऑल इंडिया बुद्ध विहार कंस्ट्रक्शन कमेटी या ऑल इंडिया बुद्ध विहार कोई भी संस्था का नाम आप दे सकते हैं, मगर ऑल इंडिया की। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो भारत में ऑल इंडिया बुद्ध विहार या ऑल इंडिया बुद्धिस्ट या ऑल इंडिया के नाम से नाम हो सकता है, मगर वो अपने गाँव जिले से आगे कहीं कोई काम है नहीं, अव्वल एक आध बुद्ध विहार तक ही सीमित है। मगर महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं जो सभी बुद्ध विहारों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और मैं इस वीडियो के अंत में उनके फ़ोन नंबर उनके नाम आपको दूंगा, जिससे कि आप उनसे संपर्क कर लें। अगर आपका कोई बुद्ध विहार है या आपकी कोई ऐसी संस्था है जो आप जोड़ना चाहते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तो उनसे संपर्क करें, उनसे बात करें, अपना टर्म्स कंडीशन सेट करें और एक जुड़ जाएं। दरअसल जुड़ना क्यों जरूरी है और जुड़ने के लिए क्यों जरूरत आन पड़ी है और क्यों जुड़ना चाहिए, इसके कितने फायदे और कितने नुकसान हैं। जुड़ने का नुकसान एक भी नहीं है, जीरो। यानी कि अगर आप जुड़ते हैं बुद्ध विहार से, बुद्ध विहार को जोड़ते हैं, पूरे इंडिया के पूरी दुनिया के बुद्ध विहार जुड़ते हैं, तो जीरो नुकसान है और फायदा है इनफाइनाइट, अनंत फायदा है, फायदे ही फायदे हैं। कैसे फायदे हैं? आप औरंगाबाद में रहते हैं और आपको चंडीगढ़ जाना है, औरंगाबाद में रहते हैं और चंडीगढ़ में आपकी कोई जान पहचान नहीं है, आपका कोई टेस्ट है, कोई पेपर है, कहीं नौकरी लगी, कोई मिलना है जुलना है, कोई रिश्ता देखना है, कोई शादी देखनी है, घूमना है या फिरना है, तो आपको चंडीगढ़ में सुरक्षा चाहिए सबसे पहले। फिर चंडीगढ़ में आपको घर जैसा माहौल चाहिए, फिर चंडीगढ़ में आपको भरोसे के लोग चाहिए, परिवार चाहिए। आप ये कैसे मिलेगा, क्योंकि चंडीगढ़ में तो आपकी जान पहचान नहीं है। मगर आपका बुद्ध विहार अगर चंडीगढ़ के बुद्ध विहार से जुड़ा हुआ है, तो आप अपने बुद्ध विहार के सेक्रेटरी को, अपने बुद्ध विहार के प्रधान को, सचिव को, किसी मेंबर को कहेंगे, चंडीगढ़ में जो बुद्ध विहार है उनको मुझे नंबर दो, मैं उनसे बात करना चाहता हूं और मेरी वहां सिफारिश लगाओ कि मैं इस बुद्ध विहार का मेंबर हूं और जेन्युइन मेंबर हूं, ठीक हूं, तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चंडीगढ़ फोन पे चला जाएगा कि ये जो व्यक्ति है फलाने फलाने, ये बहुत बढ़िया है और ये आ रहे हैं, आपके बुद्ध विहार में ठहरेंगे, अगर कमरा अवेलेबल है तो किराया भी देंगे, वहां रहेंगे, या इनको कोई सस्ता सा होटल कराएं, या जहां इनके रहने की व्यवस्था किसी अंबेडकर भवन या कबीर भवन या रविदास भवन कहीं और भी कराएं, तो उस व्यक्ति की चिंता खत्म। और वहां वाले व्यक्ति का काम शुरू चंडीगढ़ वाले का, वो फोन पे कहेगा जी दो रूम इस तारीख तक आपके लिए बुक कर दिए हैं, नाम मात का मेंटेनेंस का किराया है 200 रुपये, बल्कि खुश होकर 500 भी देगा, 700 भी देगा, क्योंकि अपना ही तो बुद्ध विहार बनेगा, कमरे और बनेंगे तो और लोग काम आएंगे, तो पैसा अपने ही इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, अपनी ही प्रॉपर्टी बन रहा है, अब बाहर नहीं जा रहा। तो वो व्यक्ति वहां से आराम से बैठेगा और यहाँ बिल्कुल घर जैसा उतरेगा, जैसे औरंगाबाद में ऐसे यहाँ स्टेशन पे उसे कोई आदमी मिल सकता है, फोन मिल सकता है, नहीं तो खुद भी जा सकता है। बुद्ध विहार में सारा माहौल मिलेगा, भिक्कू मिलेंगे, भंते मिलेंगे, वहां आराम से रहेगा, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल घर जैसा माहौल रहेगा। तो कितनी सारी टेंशन बची और कितना सारा पैसा बचा और कितना मजा आया, और आपस में रिलेशन बड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र के किसी बच्चे को यहाँ का कोई बच्चा पसंद आ जाए और शादी हो जाए तो रिलेशन डेवलप हो गया, तो एक फायदा और हो गया। एजुकेशन में फायदा हो सकता है कि यहाँ कोई डिग्री डिप्लोमा हो और वहां हो तो उसका मन कर जाए मैं यहाँ डिग्री करूंगा, तो यहाँ कर ले आके, बहुत सारे फायदे हैं। इससे बड़ा फायदा है कि जब सारे बुद्ध विहार एक हो जाएंगे, तो अभी सारे बुद्ध विहार अपनी अपनी पर्ची अलग अलग कटवाते हैं, हमें बुद्ध विहार बनाना है, हमें उसकी पुताई करानी है, पेंटिंग करानी है, उस पर कलर कराना है, सफेदी करानी है, दरवाजे बनाने हैं, फर्श लगवाना है, दरी बिछवानी है, चेयर लाना है, लाउडस्पीकर लाना है, मूर्ति लगवानी है, पैसा दो पैसा दो। देने वाले कुछ लोग हैं, मांगने वाले ज़्यादा हैं। अगर 1000 बुद्ध विहार हैं, 1000 के 1000 अपनी पर्ची लेकर चलेंगे तो देने वाला किस किस को देगा? तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बुद्ध विहार जो होगा या जो सिस्टम है, क्योंकि सिखों का ऐसा ही चलता है, उनका गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उनका सारा पैसा इकट्ठा होता है, एक जगह इकट्ठा होता है, उनके लगातार गुरुद्वारे बनते रहते हैं, यानी कि उनके जो मिस्त्री हैं, कारीगर हैं, वो कभी खाली नहीं बैठते, वो जमीन परचेज करते हैं, उनके पास पैसा आता रहता है, वो लगाते रहते हैं, उनके गुरुद्वारे बढ़ते रहते हैं, एक ही पैटर्न होता है, काम चलता रहता है। क्रिश्चियंस का भी ऐसा ही है, उनका सारा फंड इकट्ठा होता है और सारा फंड इकट्ठा होकर वो अलग अलग गिरजाघर अपने बनाते रहते हैं, अधिकतर लोगों का ऐसा है। मस्जिदों का भी ऐसे चलता है, मगर बुद्ध विहारों का ऐसा नहीं चल रहा है। बुद्ध विहार अलग अलग स्ट्रगल कर रहे हैं
तो झगड़े ज्यादा हो रहे हैं। आमदनी नहीं है तो दुकानें खोल ली तो दुकानों पर कब्जा हो गया, आमदनी आई तो वहां कब्जे का झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी हो गई, मारपीट हो गई, पैसे की कमी पड़ेगी। जिसने पैसा दिया वो कहता है मैंने पैसा दिया है, मेरा नियम चलना चाहिए, मेरा रूल चलना चाहिए, मेरी वाह वाह होनी चाहिए, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरा नाम प्रधानी में आना चाहिए। जिसका नाम प्रधानी में नहीं आता, जिसका वाह वाह नहीं आता, वो कहता मैं पैसा दूं तो वो पैसा देता नहीं। जो पैसा आता है वो कितना इकट्ठा करे मगर बार बार देने वाले कुछ लोग होते हैं उनका मन मर जाता है। बिल्डिंग बनती है टुकड़ों में बनती है तो इतनी मजबूत नहीं होती, इतनी बढ़िया नहीं बनती। मगर अगर ऑल इंडिया बुद्ध विहार मैनेजमेंट प्रबंधक कमेटी या इस तरह की कोई कमेटी अगर होगी जैसी बन रही है तो उससे क्या है कि सारे देश के बुद्ध विहारों का पैसा एक साथ जाएगा, तो पैसा इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा होगा कि आप हर महीने एक बड़ा बुद्ध विहार बना सकते हैं। फिर लोग ट्रस्ट के हिसाब से ज्यादा पैसा देंगे क्योंकि देखो पैसे का रिजल्ट आ रहा है, तो पैसे का रिजल्ट आ रहा है तो आपका वहां बुद्ध विहार दिखाई देता है कि इसमें 4 करोड़ रुपए लग गया, पता चला अगले महीने 4 करोड़ फिर आ गया, तो 4 करोड़ की इकट्ठी अमाउंट आएगी तो बड़ी लगेगी। मगर 4 करोड़ अगर अलग 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 बटेगा तो एक एक बुद्ध विहार में 4-4 लाख ही आएगा, उसका फायदा कुछ होगा नहीं क्योंकि 4 लाख में कुछ बनेगा नहीं, मगर 4 करोड़ में बहुत अच्छा बुद्ध विहार बन जाएगा तो वो फिर आमदनी शुरू कर देगा तो और ज्यादा पैसा आएगा, ये फायदा है। इससे भी बड़ा फायदा है कि आपके बच्चे विदेशों में जाके नौकरी कर सकेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ एक ऑल इंडिया बुद्ध विहार का मैनेजमेंट का सिस्टम डेवलप कर लेंगे, बना लेंगे, तो विदेशों के बुद्ध विहार इन सभी बुद्ध विहारों के समूह से तुरंत अटैच हो जाएंगे, क्योंकि भी सारे एक ही हैं, बड़ी संस्था है, इस संस्था में 3 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, 5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, इनका काम चलता रहता है, बढ़िया है, तो वो सारे यहाँ जुड़ेंगे और वो आपको मदद देंगे, उनके पास पैसा है क्योंकि वो भारत के ऋणी हैं, भारत का कर्ज है इनके ऊपर, भारत का डेब्ट है उनके ऊपर, क्योंकि भारत ने उनको बुद्ध दिया है और बुद्ध का फिलॉसफी दिया है जिससे वो मालामाल हुए हैं, उनका जीवन बदला है और वो बड़े सुख और शांति में, उन्होंने अपने सारे पापकर्म छोड़ दिए और उनके यहाँ डेवलपमेंट हुआ और वो दुनिया में सबसे आगे निकल गए, तो इससे वो भारत के ऋणी रहते हैं। भारत के हर व्यक्ति को वो समझते हैं कि ये बुद्ध की धरती से आदमी आया इसलिए अपने यहाँ वेलकम करते हैं, तो जो चोर डाकू लुटेरे हैं जो बुद्ध को नहीं मानते, बुद्ध को मारते हैं काटते हैं, वो भी वहां जाके बुद्ध के नाम से इज्जत प्राप्त कर लेते हैं, कर लें कोई बात नहीं, मगर जो बुद्ध के जानने मानने वाले फिलोसफी वो तो पीछे रह गए। तो अगर ऑल इंडिया बुद्ध विहार प्रबंधक कमेटी अगर होगी तो वो कमेटी बहुत सारी भाषाओं में दुनिया से संपर्क कर सकेगी, तो वहां से पैसा आएगा तो तेजी से बुद्ध विहार बनेगा। एक एक बुद्ध विहार को कोई विदेशी कैसे पैसा देगा, 1000 जगह जाके आप रोना धोना धोएंगे कहेंगे इनका धंधा है, 1000 आदमी पैसे मांग रहा है, ये तो धम्म में इकट्ठे तो है नहीं, इनकी संस्था एक नहीं है ना, कौन पैसा देगा, भिखारी कहलाए जाएंगे अगर अलग अलग मांगेंगे, एक साथ मांगेंगे तो फिर बहुत बड़े अच्छे कार्यकर्ता कहलाए जाएंगे। पर्ची लेके घूमते रहते हैं, उनकी कोई इज्जत होती नहीं है, कोई देता है कोई नहीं देता है, कुत्ते की तरह दौड़ते हैं, 2-4 आदमी होते हैं तो उनकी क्या वैल्यू, थक जाते हैं बेचारे, बूढ़े हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आता है समूह का काम, समाज का काम इकट्ठा होकर ही होना चाहिए। काम समाज का करोगे अलग अलग करोगे तो प्राइवेट काम हो गया ना, यानी कि अगर सामाजिक काम है तो सामाजिक तरीके से इकट्ठे होकर होना चाहिए ना, और अगर प्राइवेट है तो अलग होना चाहिए। भाई लड़के की शादी कर रहे हो, लड़की कर रहे हो, प्राइवेट काम है आपका, आप दावत करो कुछ भी करो आपका काम है, मगर अगर आप बुद्ध विहार में अगर कोई फंक्शन कर रहे हो या बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हो या कोई कैसा भी काम कर रहे हो या वप मंगल उत्सव मना रहे हो तो वो तो सामाजिक है ना, उसको प्राइवेट तो नहीं मनाया जा सकता। अगर प्राइवेट मनाते हैं तो वो उनका अपना इंडिविजुअल है, वो सामाजिक नहीं है। तो सामाजिक काम में सबका पैसा आना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए और सबको ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये समझ भारत में आज भी 1956 के बाद में डेवलप नहीं हुई है। दरअसल जितने भी धम्म के लीडर या भगवान बुद्ध के अनुयायी भारत में या डॉक्टर अम्बेडकर के खास तौर से जितने अनुयायी अपने आप को सीना ठोक कर कहते हैं, वो मैं कहूंगा कि वो निहायत ही डॉक्टर घंटा है। डॉक्टर घंटा वाला एक वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने बड़ा अच्छा बताया कि डॉक्टर घंटा क्या होता है। वो हाफ इंटेलेक्चुअल हैं, उनमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, वो बाबा साहब के कहने अनुसार थोड़ा सा पढ़ के उसको मानते जानते हैं, मगर वो संगठन वाला सूत्र नहीं पढ़ पाए जो बाबा साहब ने सबसे पहले कहा था, संगठित रहो। उनको लगता है कि संगठित रहने का मतलब है कि मैंने 10-5 आदमी इकट्ठे कर लिए, मैं चेयरमैन बन गया और एक जनरल सेक्रेटरी और एक कोषाध्यक्ष बन गया, बस संगठन बन गया। असल संगठन का मतलब सबको एक ही जगह साथ रहना है, ये संगठन है। तो वो संगठन वाला जो कैरेक्टर है, जो संगठन वाला डेवलपमेंट है, उसको भूले बैठे हैं बुद्ध के बाद से, संघ के बाद से, जब से संघ खत्म हुआ है बुद्ध का तब से वो अलग अलग बैठे हुए हैं। तो उनको बेचारों को इतनी अकल ही नहीं है, उनकी अकल ही डेवलप नहीं हुई, बच्चों की अकल है कि संगठित सारे हो जाए तो उसमें फायदा। कहेंगे सबको देखो भाई ये झाड़ू है, झाड़ू अलग अलग अगर करेगी तो साफ नहीं कर सकती, बंधी हुई होगी, ऐसा एग्जांपल देंगे। देखो भाई अगर ये 4 डंडियां हैं, एक एक को अलग अलग तोड़ देंगे मगर 4 डंडी को एक साथ बांधे तो नहीं टूट सकती, तो संघ में सकती। सबको पढ़ाएंगे मगर खुद नहीं पढ़ेंगे, जानते नहीं है, कम बुद्धि है, बच्चे वाली बुद्धि है, इसलिए उनको बताइए
भाई सारे बुद्ध विहारों को एक कर लीजिए, जितनी जल्दी एक कर लेंगे उतनी जल्दी आपका महाबुद्ध विहार बन जाएगा। जो एक बुद्ध विहार है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो जमीन खरीदी थी, बाबा साहब अंबेडकर ने, जिसको अंबेडकर भवन के नाम से दिल्ली में जानते हैं, वहां उस जमीन का पूरा नुकसान हो गया, वहां लोग व्यापार करते हैं, वहां गलत काम करते हैं, वहां एक बुद्ध विहार नहीं बन पाया आज तक। बुद्ध विहार की तो बात छोड़िए, बाबा साहब की जो अस्थियां हैं वो वहां कूड़े में पड़ी हुई कोने में ढकी रहती हैं कल से में, और बड़े शान से लोग ना उसको सर पे लेके ढोते हैं साल में एक बार, बाबा साहब की अस्थियां सर पे लेके। अरे शर्म नहीं आती तुमको? तुम बाबा साहब की अस्थियों को सर पे लेके, ये सर पे ले जाने वाली चीजें हैं क्या? तुमने कौन सा उसको सोने के कलश में मढ़ दिया, उसको चैत्य बना के वहां एक बढ़िया शानदार बुद्ध बना के उसको स्थापित करते हो, पर उस पर करोड़ों अरबों लोग आते हैं, उस पर खरबों रुपया आता अब तक, और अब तक ऐसे ऐसे ना कितने चैत्य बन जाते, और अकल नहीं है, अकल नहीं है, डेवलप नहीं हो पाई है। जब से दबाई हुई अकल है तब से दबी हुई है, बाबा साहब तो आने वाले हैं नहीं। तो आप लोगों को ही प्रयास करना है ये कहकर के, भाई यहाँ चैत्य बनाइए, ये चैत्य भूमि है, ये बाबा साहब ने परचेज की है, यहाँ पे बस और टैक्सी मत खड़ी करवाइए, 100-200 रुपए लेके आप यहाँ बस और टैक्सी खड़ी करवाते हैं, उससे आपका भला तो हो जाएगा मगर समाज तो खत्म हो गया ना। बाबा साहब ने जिसलिए वो जमीन परचेज की थी, आप तो कब्जा कर लिए बाबा साहब की जमीन पे, आपने तो अंबेडकर भवन का प्राइवेट भवन बना दिया, आपने तो उनका जो बाबा साहब का मिशन था वो जीते जी मार दिया। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, हालांकि ये पाप कर्म हुआ है और इसका आपके बच्चों पर असर पड़ेगा, आपके बच्चों के कीड़े पड़ेंगे, आपके बच्चे मरेंगे। बुद्ध की फिलॉसफी कहती है कि सामाजिक समूह अच्छे काम की जमीन या अच्छे काम को अगर नुकसान कोई करता है, जाने में या अनजाने में, तो उसका सदियों तक उसके परिवार पर प्रभाव पड़ता है। सड़ सड़ के मरेंगे सारे वो लोग जिन्होंने बाबा साहब या भगवान बुद्ध की फिलॉसफी को खराब किया है। ये जन्म का मृत्यु का नियम है जो आता है पूरे पूरे धम्म चक्र अनुसार, मैं नहीं बोल रहा, ये भगवान बुद्ध की फिलॉसफी बोल रही है, और इसके रिजल्ट जीते जी भी आते हैं और मरने के बाद भी आते हैं। पाप कर्म अगर होगा तो पाप कर्म पाप का ही रिजल्ट देगा, पुण्य का देगा ही नहीं, और ये बहुत बड़ा पाप कर्म है कि पूरे समाज की जमीन को बाबा साहब ने जो अपने पैसे से खरीदी उस पर बाबा साहब की अस्थियां एक घड़े घड़े में और एक मटके के अंदर वहां पर धूल चाट रही हैं, और शर्म नहीं आती है। इतने बड़े बड़े आप अंबेडकर के अनुयायी बनते हैं और इतने बड़े बड़े लोग नाम के साथ अलंकार लगा के वहां पर भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये एक छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें जिनके बड़े 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 रिजल्ट आने वाले हैं। इसलिए आपका अगर कोई बुद्ध विहार है या बुद्ध विहार बनाने का है तो आप तुरंत कॉन्टेक्ट कर लीजिए इन नंबर पे, और इनसे मिलके बात करिए कि हमें अपने बुद्ध विहार को सारे बुद्ध विहारों से जोड़ना है। इसको जोड़िए, सारे मिलके इसके नियम बनाइए, नियम अगर कोई पसंद नहीं आए तो नियम के लिए लड़िए और नियम को बदलवाइए। दरअसल जो बुद्ध विहार है इसका नाम बुद्ध विहार बुद्ध के समय में कभी था ही नहीं, ये बुद्ध का विहार नहीं, क्योंकि विहार माने जो होता है, विहार माने होता है विहरती रहना, यहां पे रहते हैं, तो बुद्ध वहां पर रहते थे, और जो टहलते हैं उसको बोलते हैं चक्कमन। अब तो विहार का मतलब है समझे, जैसे वहां पे विहरते हैं, वहां पे चलते फिरते हैं। दरअसल इसका जो नाम है वो है आराम, यानी जैतवन राम या निगोद राम या घोषित राम या पुब राम या जो तिथ्य है तिथ्य राम, यानी बाद में राम जुड़ा हुआ है जो जुड़ने के साथ में आराम हो जाता है। दरअसल जो साधना में रमते हैं, साधना में रमण करते हैं, साधना में रहते हैं, उनको राम बोलते हैं। ये कौन है व्यक्ति? अगर साधना में बैठा है तो कहते हैं ये राम है। ये कहां पर बैठा हुआ है? ये आराम में बैठा हुआ है। आराम का मतलब है बगीचा या जहां पे वो रमण करता है, जहां पे वो राम में रहता है। तो सारे शब्द जितने भी पाली में चलते हैं, जैसे निगोद राम, यानी निगोद का जो वृक्ष है उसके नीचे रमण होता है, तो उसको निगोद राम या निगोधा राम बोलते हैं। निगोद का मतलब हो गया बड़े वृक्ष के जंगलों में रमण करने वाले। भगवान बुद्ध जो थे, जब कपिलवस्तु जाते थे तो वहां पे निगोद का वन था, उसमें आराम करते थे, राम करते थे और रमण करते थे, तो वहां उसको निगोद राम बोलते हैं। जो पूर्व में था उसको पुब्बा राम बोलते हैं, यानी पूब में राम, यानी पूब में स्थित जो राम है पुब्बा राम हो गया। और जो जैतवन राजकुमार था, जो उसके उसका जो बाग था जिसका नाम था जैतवन, जो अनाथ पिटक ने खेदा, उसको बोला बाद में जैतवन राम, यानी जैतवना राम। तो आराम हो गया उस बगीचे का नाम और राम हो गया जो रमण करता है व्यक्ति को। तो भगवान बुद्ध तो पुराने समय में जितने भी थे, बिल्डिंग तो थी नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय तो बगीचे जमीन साफ करके झोंपड़ियां बनाई जाती थी, कुटिया बनाई जाती थी, जिसको वहां पर बोलते थे कि ये भगवान बुद्ध की कुटी है जिसमें से खुशबू लगातार आती रहती है, और खुशबू वाली को बोलते थे कि भगवान बुद्ध इस कुटी में रहते हैं।
गंधकुटी बोला करते थे। गंधकुटी मतलब विपसना की खुशबू उसमें आती रहती थी, तो उसको गंधकुटी बोला करते थे। मूल गंधकुटी आज भी है। मूल गंध का मतलब है कि भगवान बुद्ध जिस कुटी में रहे वो मूल यानी मेन वाली जो है मूल गंधकुटी वहाँ सारनाथ में आज भी काशी के अंदर या बनारस के अंदर आज भी आपको मिल जाएगी। वो देखने पक्की बन गई अब तो। तो उस समय जंगलों में हटा हटा के आराम मनाए जाते थे, बाद में उनको विहार कहने लगे, फिर बुद्ध के विहार कहने लगे। इतने सारे जगह बनी के बाद में उस पूरी मगध का नाम ही बिहार पड़ गया, उसको बिहारी कहने लगे, यानी प्रदेश का नाम ही बिहार पड़ गया। तो तब से उसको बुद्ध बिहार कहते हैं। दरअसल वो सारे के सारे जो सेंटर थे वो एजुकेशन के सेंटर थे। तो जितना भी बुद्ध बिहार बनाए लोग या जो जुड़े हैं उसमें सब एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, और या उसमें लाइब्रेरी, या उसमें टीचिंग क्लासेस, या उसमें रोबोटिक्स क्लास, या उसमें कंप्यूटर क्लास। बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं जो दूर से पढ़ाई जा सकती हैं, वीडियो से पढ़ाई जा सकती हैं, फ़ोन से पढ़ाई जा सकती हैं, तो वो सारी क्लास वहाँ लगनी चाहिए। सोशल सिस्टम का जो बुद्ध बिहार है वो होना चाहिए। किसी का शादी है, ब्याह है, कोई बर्थडे है, मनाना चाहता है तो वहाँ आके मनाए। धम्म को बढ़ाने के लिए आना चाहिए, धम्म की साधना विपसना के लिए, उपोषित करने के लिए वहाँ आना चाहिए। पॉलिटिकल भी आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिक्स देश के लोगों का भला करती है, तो पॉलिटिक्स की भी वहाँ से होनी चाहिए। वहाँ से चर्चाएँ होनी चाहिए कि पॉलिटिक्स में कौन लोग अच्छे हैं, कौन खराब हैं, किसको मत देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। उसका एनालिसिस होना चाहिए हर हफ्ते कि पॉलिटिक्स में क्या चला है, और उसका दबाव बनाना चाहिए। तो पॉलिटिकल भी वहाँ होना चाहिए, आर्थिक भी होना चाहिए। किसी ने अगर वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाई है, कोई प्रोडक्ट है, तो वो वहाँ बिकना चाहिए, खरीदना चाहिए, जिससे कि लोगों को आमदनी हो और भला हो। तो एक बुद्ध बिहार सारे काम कर सकता है, और अगर सारे बुद्ध बिहार मिल जाएं तो सबके दुख दूर हो सकते हैं। लोगों को काम मिल जाएगा, लोगों के सोशल काम हो जाएंगे, राजनीतिक काम हो जाएंगे, धर्म का काम हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई का काम हो जाएगा, मिलने जुलने का काम हो जाएगा, घूमने फिरने का काम हो जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी इनको मिला देंगे, क्योंकि अगर आपको श्रीलंका जाना है तो यहाँ के भंते से कॉन्टेक्ट कीजिए, और वहाँ के भंते श्रीलंका वाले आपके लिए रूम बुक कर देंगे, तो आप श्रीलंका जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का उनका संपर्क है। आपने जापान जाना है, बच्चे को नौकरी लगी है जापान में, आपने कुछ बच्चे ने कुछ सीखा है, तो जापान में कॉन्टेक्ट करेगा, मैं यहाँ ये काम जानता हूँ, आपके यहाँ वैकेंसी है तो मुझे बुला लीजिए। जैसे वैकेंसी होगी वो सबसे पहले उसी को बुलाएंगे जो उनके धर्म का जानकार होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बुद्ध है और बुद्ध के धर्म का जानकार है तो उनके देश के लिए सुरक्षित है, अच्छा काम करेगा, मेहनती होगा, क्योंकि बुद्ध का अनुयायी है। तो आपके बच्चों को ताइवान में, जापान में, चीन में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, और अब तो यूरोप के अंदर भी जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनको सबसे पहले वीज़ा मिलता है, सबसे पहले उनको वहाँ टिकट मिलता है, सबसे पहले वहाँ उनको बुलाया जाता है, क्योंकि बुद्ध के लोग शांति प्रिय लोग होते हैं। वो आतंकवादी या आतंक नेचर के या खराब नेचर के नहीं होते हैं, ये उनकी कैरेक्टर की स्टाम्प होती है अगर बुद्ध के अनुयायी है। इसलिए बुद्ध बिहारों को मिलाने का काम जितना जल्दी हो सके उतनी तीव्र गति से करेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, मगर विदेशों में नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं। बस आप अपने निकम्मेपन से निकल के इनको बुद्ध बिहारों को जोड़िए, और कोई व्यक्ति अगर बुद्ध बिहार प्रबंधक कमेटी में है, या बुद्ध बिहार की लोकल बॉडी में, या किसी बुद्ध बिहार में ऐसा है जिसकी सोच छोटी है, जो जुड़ना नहीं चाहता है, तो उसे बंद कमरे में ले जाइए और अच्छी तरह से कुर्सी पर बैठा के समझाइए कि जब तक सारे जुड़ेंगे नहीं, जब तक एक होंगे नहीं, तब तक किसी बच्चे का भला होगा नहीं। और तब तक अच्छी तरह समझाते रहिए ठोक ठोक कर, जब तक कि वो बाहर आके ये ना कहे कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं ही बेवकूफ था, मैं ही बेअकल था। धन्यवाद।
टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.